दोस्तों सारेगामापा लिटिल चैंप्स का कल का एपिसोड बहुत ही शानदार हुआ, जिसमें सभी कंटेस्टेंट ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिया। लेकिन कल के एपिसोड में आखिर किस जोड़ी को कितना स्कोर दिया सारेगामापा के जजेस ने और किस कंटेस्टेंट की जोड़ी का परफॉर्मेंस रहा सबसे बेस्ट, तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो बस आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सारेगामापा लिटिल चैंप्स में कल मिथुन और पद्मिनी जी स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट किया गया, जिसमें सभी कंटेस्टेंट की ड्यूट जोड़ी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। लेकिन सारेगामापा लिटिल चैंप्स के कल के एपिसोड में किस ड्यूट जोड़ी को कितना स्कोर दिया जजेस और ग्रैंड जूरी ने, तो सबसे पहले अतानु और आरोही की जोड़ी ने परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें ग्रैंड जूरी ने 100% स्कोर दिया और दोनों का परफॉर्मेंस चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस था। उसके बाद हरमेहर कौर और जेटसन लामा ने अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता और इनको भी ग्रैंड जूरी ने 100% स्कोर दिया और इनका भी परफॉर्मेंस चार्ट बस्टर था। फिर अथर्व बख्शी और देविका की जोड़ी को 100% स्कोर मिला और जजेस के द्वारा भी इनका भी परफॉर्मेंस चार्ट बस्टर परफॉर्मेंस था। लेकिन दैनेश्वरी ने कल के एपिसोड में अपने क्लासिकल परफॉर्मेंस से ग्रैंड जूरी को स्टेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया, तो इन्हें भी 100% स्कोर मिला है। फिर प्रज्योत और पलाक्षी की जोड़ी ने परफॉर्मेंस दिया, इस जोड़ी को भी ग्रैंड जूरी ने 100% स्कोर दिया। और फिर सबसे लास्ट में रफा और एसम अली की जोड़ी ने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन दोस्तों सारेगामापा लिटिल चैंप्स के ग्रैंड जूरी ने इन्हें 95% स्कोर दिया था। मेरे दोस्तों ओवरऑल सारेगामापा लिटिल चैंप्स में कल का एपिसोड बहुत ही शानदार हुआ। लेकिन दोस्तों किस ड्यूट जोड़ी का परफॉर्मेंस आप सभी को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।